वहां के जो शिक्षा मंत्री थे वो रामचरितमानस पर कभी बयान देते थे, शिक्षा के अलावा अन्य विषय पर ज्यादा चर्चा करते थे, और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे पहले ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही उनका मंत्रालय भी चला गया। तो नीतीश कुमार जी ने इस बात का ध्यान रखा कि पूरा बिहार राममय है। खाता न बही, जो नीतीश कुमार कहें वह सब सही। जी हां, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने नीतीश कुमार का पक्ष लिया और कहा कि नीतीश कुमार यह भली भांति जान चुके हैं कि बिहार राममय हो गया है। यही कारण है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर आए दिन श्रीराम प्रभु को लेकर के जो टीका टिप्पणी करते रहे, यही कारण है कि उनका जो मंत्री पद था वह छिन गया। क्योंकि बिहार में अपर मुख्य सचिव के पाठक जो शिक्षा विभाग के हैं वह अच्छा काम कर रहे हैं, और यही कारण है कि उनका एक शर्त था कि अगर वो शिक्षा मंत्री को जब तक के पद से उनको हटाते नहीं है तब तक वह वापस नहीं लौटेंगे। शहनवाज हुसैन ने आगे मुख्यमंत्री का पक्ष लेते हुए क्या कुछ उनका कहना है, छोड़े जाते हैं उन तमाम बयानों के साथ। देखिए, बिहार के अंदर अब मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं रही। के पाठक अच्छा काम कर रहे थे और उन्होंने शर्त रख दी होगी कि मंत्री को हटा देना है। नीतीश कुमार जी ने वहां शिक्षा मंत्री जो थे यादव जी, उनको दूध में मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया, और ये साबित हो गया कि बिहार में पहले सेक्रेटरी है फिर मंत्री है। और अच्छी बात है कि के पाठक तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वहां के जो शिक्षा मंत्री थे वो रामचरितमानस पे कभी बयान देते थे, शिक्षा के अलावा अन्य विषय पर ज्यादा चर्चा करते थे, और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे पहले ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही उनका मंत्रालय भी चला गया। तो नीतीश कुमार जी ने इस बात का ध्यान रखा कि पूरा बिहार राममय है, और ऐसे व्यक्ति जो रामचरितमानस पे ही सवाल उठाते हैं उसको उन्होंने शिक्षा विभाग से बेदखल करके गन्ना विभाग में दे दिया गया है। और ये भी तय हो गया है कि बिहार में खाता न बही, जो नीतीश कुमार जी कहें वो सही, लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी की कुछ नहीं चल रही, जो उनके भी मंत्री हैं उनके बारे में भी निर्णय अब मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और राजद के पास कोई उपाय नहीं है सिर्फ नीतीश कुमार जी के सामने घुटना टेकने के अलावा, उसके पास ऑप्शन की बहुत कमी है।